नहीं लग रहा क्यों नहीं कर, मतलब कैसे इसको रखे हैं? मुझे देखकर ही डर लग रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूं बारे में। मेरे पीछे का नजारा अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है। आज पहली सोमवारी भोलेनाथ के भक्त पहाड़ी मंदिर में, भोलेनाथ के भक्तों का हुजूम जो है पहाड़ी मंदिर में लग गया है। आस्था का जन सैलाब जो है उमड़ पड़ा है। लोगों की भीड़ देखकर आप समझ रहे होंगे कि लोगों के अंदर भोलेनाथ के प्रति कितनी आस्था और भक्ति है। लोग यहाँ दूर दूर से मंदिर पहुँचे हैं पूजा करने के लिए। सुबह 3:30 बजे ही बाबा का पट खोल दिया गया था और उसी वक्त से ये भीड़ जो ये नज़ारा है लगातार देखने को बन रहा है। अभी तो थोड़ी कम भी हो गई भीड़, लेकिन इससे पहले देखिए लाखों की संख्या में लोग आकर पूजा कर रहे थे यहाँ, और अभी भी ये कतार जो है बनी हुई है। लोग लगातार पूजा करने के लिए ऊपर मंदिर मुख्य मंदिर में चढ़ ही रहे हैं और दूर बहुत दूर दूर से भक्त आए हुए हैं दर्शन के लिए। युवाओं में खासकर भोलेनाथ की भक्ति का ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है। युवा बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं। आपको सुनाई दे रहा हो, सुन सकते हैं कि किस तरीके से भोलेनाथ का जयकारा लगा रहे हैं युवा। 2 साल के बाद इस बार पहाड़ी मंदिर में फिर से भीड़ लगने शुरू हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, महादेव से फिर से दर्शन वैसे ही हो पा रहा है जैसे पहले हुआ करता था हमारा। तो मजा आ रहा है, खुशी एकदम बहुत ज्यादा खुशी है मैडम। कैसे पूजा किए, क्या मांग रहे हैं इस बार लोग? हाँ, क्या मांग रहे हैं इस बार, किस तरह का उमंग है? उमंग तो बहुत है, 2 साल के बाद ऐसे मंदिर खुली है। पहले तो मतलब सोमवारी को हर सोमवारी आते वो बाहर ही पूजा हुआ करता था, अब ऊपर जाने का मौका मिल रहा है। सही है ये। कहाँ से? हम ये हरमू से है। 2 साल के बाद आना शुरू हुआ है, कैसा लगा? बहुत मजा आया। पूजा कर लिए? हाँ। क्या मांग रहे इस बार? क्या मांगेंगे? ऑफ कोर्स जो सब लड़की लड़की मांग रहे हो वो तो सब सबको ही मांगता है, ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ मांग रहे हैं। 2 साल बाद फिर से आने का मौका मिल रहा है पहाड़ी मंदिर, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि महादेव को जल चढ़ाने हम लोग आए हैं 2 साल बाद। अच्छा, अभी जब लड़कों से बात किया तो सब बोला लड़की मांगने आए हैं, अच्छी लड़की, आप लोग क्या मांगे? नहीं नहीं, लड़की तो हमारे पास है। अच्छी मिली हुई तो ऑलरेडी है। इस बार क्या मांगेंगे रांची की जनता के लिए? बाबा से कुछ हम लोग मांगने नहीं आते, बाबा को खुश करने आते हम लोग। कहाँ से आए हम? ऐसे तो गाँव मेरा बेलगड्डा पड़ता है, तो यही अगल बगल से ही। हाँ, अगल बगल से, मतलब नहीं, हाथबड़ यहाँ काम करते हैं तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैं बोली इन साल सावन में आई हूँ तो भोले बाबा का दर्शन तो बनता है। 2 साल बाद मिल रहा मौका, कैसा लगा? बहुत अच्छा, खुशी है इस बार सावन में। बहुत खुशी। अच्छा, आजकल बहुत ये चंदन टीका सब लगवा रहे हैं, पूजा कर लिए? नहीं, अभी जा रहे हैं। हम कहाँ से? हम तो आए विकास से। भाई चंदन टीका का बहुत ट्रेंड चल गया आजकल, क्यों इतना? आप तो सुबह से कितने लोग को लगा चुके? सुबह से तो बहुत लोग को लगा चुके हैं, क्योंकि चंदन एक ऐसा चीज़ है जिसको लगाने से मस्तिष्क भी ठंडा रहता है, भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति दिखता है चंदन लगाने से। आदमी लगाए हुए रहता है, मन में शांति रहता है, भगवान की पूजा करता है चंदन लगाने से। और चंदन की परंपरा तो शुरू से ही आ रही है, शिव जी भी चंदन लगाते हैं, भस्म लगाते हैं। 1000, 2000, 5000 लोगों को लगा चुके? लगभग लगा चुके होंगे, 5 बजे से यहाँ पे हैं। लड़कियों, अच्छा आजकल लड़कियाँ भी बहुत लगाने लगी, पहले लड़कों को। आजकल तो ये क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग चल चुका है ये सब, देखा देखी सबका। कहाँ से आए हो आप? खादगढ़ है। अच्छा, क्या चंदन टीका सब लगवा रहे हो? क्यों, मजा आता है सावन में पूजा करवाने? हाँ, बहुत मजा आता है सावन में पूजा करना, खासकर सोमवारी या फिर ऐसे पूरा सावन आप लोग आते रहते? नहीं, पूरा सावन नहीं आते, फर्स्ट था इसलिए आ गए। कहाँ से? उंडरू से। इंजॉय करते हो सावन? बहुत। अच्छा, 2 साल बाद मौका मिल रहा है, इससे पहले कोरोना था तो नहीं मिल रहा था, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। 2 साल बहुत सावन सूखा सूखा गया, इस बार फिर से वही उमंग है, वही उल्लास है, कैसा? पर 2 साल तो आदमी के लॉकडाउन से तो बंद था, अभी तो नहीं कुछ सुधार आया है। हाँ, सब कोई अभी तनिक खुश है, सब पूरा दुकान उकान लगाया है लोग। आज पहले सोमवार में कितना भीड़ हुआ होगा? भीड़ तो हुआ है, बोल बमल चलल है लोग, कम से कम 400-500 आदमी, 5000 ले चला होगा लोग। आपकी दुकान से बिक्री अच्छी हो रही है? ठीक है, जो है सब तो ठीक है, जानते हैं। कितना नारियल बिकता होगा, सिर्फ नारियल की बात? नारियल के तो कोई गिनती नहीं रहता है, फिर भी एक। हाँ, वही 100-200 आदमी के जैसे बिका गया तो आदमी के ठीक है, बाकी अभी तो बिकाया नहीं है। 200 एगो में 150 भर्ती आता है, 200 आता है, 150 आता है। कैसे इस बार चल रहा है अंकल?
शुरू हुआ नारियल 20 रुपए नारियल 20 रुपए हां 20 है 25 है तो इस बार खुश हाँ अभी जितना में है लो उतना में आदमी आराम से है वो सब कोई दिक्कत आदमी कभी नहीं है आदमी के फायदा बुझाता है लास्ट में बुझाता है कि हाँ इतना बिक्री हुआ चाहे ऐसे हुआ हम लोग तो बहुत पुराना है सोचिए बहुत पुराना कितना साल से लगा रहे हम दुकान बहुत पुराना रोड के नाम निशान नहीं था तब से हम लोग हैं सास लगाई हम लगाए पहाड़ी मंदिर तर आए शादी होके हमारे साथ डॉक्टर आर के जायसवाल भी हैं यहीं पहाड़ी मंदिर के जस्ट मुख्य दरवाजे के पास आप इनका कैंप देख रहे हो हर साल डॉक्टर हर साहब हर साल लगाते हैं प्रत्येक साल 20 वर्षों से ही चल रहा है मेरा कैंप यहाँ क्या किस तरह की दवाइयाँ बेसिकली यहाँ पर हम लोग इमरजेंसी में कुछ होता है चोट लग गया कट गया फट गया या कुछ हृदय रोग हो गया मार दिया तो सब इमरजेंसी दवा रखते हैं साथ साथ कोई भी मरीज आता है तो बीपी चेक कर दिया दवा दे दी जैसे ही आए तो बोले कमर में दर्द है तो कमर दर्द का दवा दे दिए और एडवाइस दे दिए और बोले कि जब कभी भी दिक्कत हो आप काम करते हो फ्री में अपने हॉस्पिटल में फ्री में दवा मिलता है कहाँ हॉस्पिटल है ऐसे तो हम सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं लेकिन हमारा हॉस्पिटल जो है अल्बर्ट टेका चौक के पीछे विराज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सुबह से यहाँ कितने लोग आए होंगे इस वर्ष तो ज़्यादा लोग नहीं आए लेकिन 30-40 लोग ही आए मात्र मतलब बीच में जरूरत पड़ जाती है हाँ जरूरत पड़ जाती है लेकिन एक्सीडेंट वाला अभी तक एक भी नहीं आया कि एक्सीडेंट हो गया गिर गया चोट लग गई ऐसा कोई नहीं आया डर नहीं लग रहा नहीं कौन पकड़ाया ये मैं कुछ करता नहीं कुछ नहीं करता उससे बात करो क्यों नहीं कर मतलब कैसे इसको रखे मुझे देख कर ही डर लग रहा है इसलिए मैं पूछ रही नहीं बारे भाई डर नहीं लग रहा डर तो नहीं लगा हमको नहीं लगता है डर अच्छा मतलब क्या बाबा की भक्ति है ट्रेंड बाबा की भक्ति है इसलिए डर नहीं लगा आजकल सब लोग खिंचवाते हैं क्या आजकल सब लोग ही फोटो लेवाते हैं साहब के साथ अपने नहीं अच्छा लगा इतना भीड़ भाड़ है कि मंदिर में जोश हवास में अपने आप में नहीं है बाबा का अच्छा इधर इधर लड़कियां भी ले रही है उसके बाद कर ले भाई डर नहीं लग रहा लग रहा है डर तो सबको ही लग रहा है लेकिन शौक भी है बाबा इसको भी डर है इसको भी अच्छा डर लगा थोड़ा सा क्या क्यों लेते हैं सब ऐसे क्यों आजकल देख रहे पता नहीं हमको तो अच्छा लगा इसलिए हमने लिए वैसे साहब लेने के बदले में पैसे भी देने नहीं पता पैसे देना पड़ता है सावन की सोमवारी मतलब एक तो पहला केसरिया रंग और दूसरा बाबा के जयकारे पहले एक बार बाबा के जयकारे लगा दीजिए सर बोल बोल हर हर महादेव कहाँ से आए लोहरदगा से आए हम लोग पूरी पूरा जत्था हाँ हाँ पूरा हम लोग पैदल आए कुछ दूर गाड़ी से आए उसके बाद फिर खाना पीना का भी जुगाड़ा में व्यवस्था था उसका बाद फिर हम लोग वहाँ से फिर रातें रात आए वहाँ फिर यहाँ पास एक मंदिर है वहाँ पास रुके कामड़ी में वहाँ फिर सोने उने का तो ऐसा व्यवस्था नहीं था कम्बल उम्बल का नहीं था बस ऐसे ही हम लोग सो गए रात भर फिर सुबह उठे फिर नहाए धोए फिर चलते पड़े वहाँ से कब चले थे कितना 7-10 बज गए थे हम लोग कब चले थे लोहरदगा से कल 10 बजे आज यहाँ पहुँचे कितने आज लगभग 9:30 बजे लगभग यहाँ पहुँच गए थे कब से प्लान बन रहा था कि इस बार सावन में पहाड़ी मंदिर जाना प्लान तो हर साल बनता है लेकिन 2 साल से हम लोग आए नहीं थे इसलिए हम लोग जोरदार से किए आने का पूरा थी आ गए इससे पहले आए थे हाँ जी ये युवाओं का भोलेनाथ के प्रति भक्ति है श्रद्धा है आस्था है कि किस तरह से वो लोहरदगा से भी इतनी दूर से कोई पैदल चलकर कहीं गाड़ी पे लेकर तो कभी रुक कर ऐसे करके ये लोग पहाड़ी मंदिर रांची के पहाड़ी मंदिर पहुँचे हुए हैं और भी सिर्फ एक यही जत्था नहीं है जो लोहरदगा से आया हुआ और भी जिलों से कई जिलों से जो हैं ऐसे ग्रुप बना बना कर लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये भोलेनाथ के प्रति जो है लोगों की आस्था है इतनी दूर दूर से भी सब चल कर आते हैं इसी तरह से झारखंड के देवघर में भी करोड़ों लोग पहुँचते हैं तो ये आस्था ही है जो बाबा की कृपा ही है जो लोगों को खींच कर मंदिर तक पहुंचाती है दर्शन करने के लिए पहुंचाती है बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी तो आए बायोम रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम इनू एवं नगर टोली रांची The followup.in. Like, share.
and subscribe www.thefollowup.in.